हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं मटर से कुछ नया रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो जब भी आपको मन करे कुछ नया रेसिपी बनाने को तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। इधर मैंने हरा मटर ले लिया है, अब मैं इसे बॉयल कर लेती हूँ। इधर मैंने बॉयल करने के लिए इसे रख दिया है। ढक्कन से मैंने इसे ढक दिया है, ढक्कन मैंने हटा लिया और मटर में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। इधर मैंने मिक्सी लिया है, बॉयल मटर को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मैंने चावल को पहले से भिगो दिया है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने चावल के साथ उड़द दाल भी इसमें डाला है। दो मैंने हरा मिर्च 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और सबको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। थोड़ा सा मैं पानी डालकर इसमें पीस लेती हूँ। तो फिर से मैंने इसे पीस लिया है बिल्कुल। मैंने इसे महीन पेस्ट तैयार किया है। अब मैं इसे एक प्लेट बर्तन में निकाल दिया। चॉप किया हुआ मैंने यहाँ प्याज डाला, चॉप किया हुआ मैंने यहाँ टमाटर डाला, 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला, थोड़ा सा मैंने गुलकी जीरा का पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने मिर्ची पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने यह धनिया पाउडर डाला और स्वाद अनुसार मैंने यह नमक डाला और सबको मैंने अच्छे से मिला लिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मीठा सोडा डाला है। मीठा सोडा बनाते वक्त ही डाले। 1 चम्मच मैंने यहाँ तेल डाला है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी। 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन से इसे ढक देती हूँ। तो ढक्कन मैं हटा लेती हूँ और मैं दूसरे तरफ अब इसे मैं पलट लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं इस पर तेल डालूंगी। तो ये दूसरे तरफ भी हो गया है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यकीन नहीं होता फ्रेंड्स। तो आप इसी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। किसी भी सॉस चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे